नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वन थिंग बाय गैरी केलर बुक समरी के बारे में। जी हाँ, सिर्फ एक चीज, आपके सक्सेस के लिए बस एक काम के ऊपर फोकस करना सीखो, एक हैबिट जो आपको सफल बनाएगी। द वन थिंग बुक समरी व्हाई यू शुड फोकस ऑन द ओनली वन थिंग द वन थिंग बाय ग्रे केलर। द वन थिंग हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लेट्स नो हाउ टू गेट योर डेस्टिनेशन इजिली, द वन थिंग बुक रिव्यू। अगर आपके पास एक दिन में बराबर घंटे हैं तो कुछ लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और क्यों, कुछ लोग काफ़ी कम कर पाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अमीर सक्सेसफुल और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, जबकि उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वही हमारे पास भी। इसका आंसर सिंपल है, उन सभी चीज़ों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो, वह सभी करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए। हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो सच में करना इम्पॉर्टेंट है उसे करना शुरू करो। आथर कहते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं कम काम करना होगा। लोगों को मेंटेलिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा काम नहीं कम करने हैं, आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू कामों को रिमूव करना है, उन कामों को करना होगा जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो फिर क्यों, कुछ लोग आज के काम को ख़त्म करने के लिए आने वाले कल पर निर्भर हो जाते हैं। कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर ख़त्म कर लेते हैं, कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो गए हैं। कुछ लोग समय से ट्राई करते हुए अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए। द वन थिंग बुक में इन्हीं समस्याओं के लिए एक फ्रेमवर्क दिया है जो हमें कम समय में ज़्यादा काम खत्म करने और टाइम पर कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज़ को करने के लिए आप अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना, अभी के लिए बाकी सारे दूसरे काम को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। उन्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की। फिर वह क्रिकेट के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल इस्टेट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते तो वह इन तीनों में से किसी एक चीज़ के भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आपका मन भी ज़्यादातर लोगों की तरह एक से ज़्यादा चीज़ें करने या बनने के लिए करता होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का, और कभी आपका मन इंजीनियर बनने का करता होगा। आप खुद से साफ साफ पूछिए, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। जहाँ पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है, इसका पता लगाने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कहता है, हमारे काम 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वही हमारे 80% काम हमें सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें से ऐसे 20% काम हैं जिनसे आपके 80% रिजल्ट मिल सकता है। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी। वह हम डोमिनोज इफेक्ट की मदद से समझ सकते हैं। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को ले, फिर अगला डोमिनो 50% बड़ा यानी कि 3 इंच का हो, फिर ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनोज को खड़ा कर दे, तो 23वां डोमिनोज एफिल टावर से भी बड़ा होगा और 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा। 57वां डोमिनोज अर्थ से
मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मजे की बात तो यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनोज को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लाओ, एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो, ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है उन्हें टाइम के साथ सीखी होती है, जिनके पास अच्छी स्किल्स होती है वे टाइम के साथ डेवलप होती है, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है वे टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ सिक्वेंसली बिल्ड होती है। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 झूठ भर रखे हैं जिनको हम सभी सच मानते हैं, कामयाब होने के लिए उन पर चलते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन्हीं 6 झूठों की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। हमारे सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हम सोचते हैं हम सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, सारे काम जरूरी नहीं होते, कुछ काम करने ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है लेकिन उन्हें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वह काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी ज़रूरत अभी नहीं थी तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए जिनकी ज़रूरत अभी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक ऑथर हो, आपको एक बुक लिखनी है, आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा है। आप सोचने लगे कि बुक का कवर कैसा होगा, कौन से पब्लिशर से पब्लिश कराऊं, बुक का प्राइस क्या रखूं, इन सब के बारे में सोचकर आप अपना समय खराब कर रहे हैं। यह सारी चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं की, अभी ज़रूरी है बुक का पहला पेज लिखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह पहले पूरी बुक को कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसके बाद आप प्राइस, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं। सभी कामों में से कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यह जानने के लिए 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कीजिए। द वन थिंग मल्टीटास्किंग, आथर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है, न ही इसकी हमें ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इससे पता लग जाएगा कि मल्टीटास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDE तक पढ़ता हूँ तो मुझे 1.04 सेकेंड का समय लगता है। अगर मैं मैथमेटिक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक काउंट करता हूँ तो मुझे 1.12 का सेकेंड का समय लगता है। दोनों लाइनों को अलग अलग पढ़ने पर 2.16 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन अगर मैं दोनों लाइन्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे A1, B2, C3, D4, E5, तब मुझे 6.48 सेकेंड का समय लगता है। अलग अलग पढ़ने पर 2.16 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन एक साथ पढ़ने पर 6.48 सेकेंड का समय लग रहा है। ऐसा क्यों? यह ज़्यादा टाइम किस चीज़ में जा रहा है? जब मैं ए पढ़ने के बाद दूसरी लाइन का 1 पढ़ता हूँ तब मुझे स्विच होने में टाइम लगता है। जब आप फिर से 1 काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पर जाता हूँ तो यह सोचने में टाइम लग जाता है कि मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लाइन किस लेटर पर छोड़ी थी। इन सब में यानी कि मल्टीटास्किंग में मुझे 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। तो शायद आप समझ में आ गया होगा कि मल्टीटास्किंग क्यों बुरी है। हम मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं, हमें लगता है कि हम समय से पहले अपना काम खत्म कर लेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे होता यह है कि बीते कल का काम भी अर्जेंट बनकर आ जाता है, जिससे हमारे आज के काम भी रुक जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सक्सेसफुल के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है, तो यह काफ़ी हद तक गलत है। डिसिप्लिन तब तक ही इम्पोर्टेंट है जब तक कि आपकी हैबिट डेवलप ना हो। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो बाकी काम खुद-ब-खुद हो जाता है। डिसिप्लिन रहने का मतलब आपको खुद की स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करते हो। उदाहरण के लिए स्मोकर को स्मोक करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी हैबिट खुद ब खुद से ऐसा करवा लेती है। तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि जब तक मुश्किल काम हैबिट बन जाएगी तो हैबिट उस काम को इजी बना देगी। कामयाबी हासिल करने के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप कम डिसिप्लिन होते हुए भी कामयाब हो सकते हो,
क्योंकि कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है, न कि सारे काम सही तरीके सही करके। जिंदगी में उतना डिसिप्लिन होना काफ़ी है जितने आप वन थिंग पर काम कर सको। हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो, पावरफुल हैबिट को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। एक बार अपनी एक हैबिट को बनाओ, हम ह्यूमन बीइंग सुपर ह्यूमन नहीं, इसलिए जो है वो ज्यादा के चक्कर में कहीं आधा ना हो जाए। इसलिए अच्छा होगा एक बार में एक हैबिट को डेवलप करो, हैबिट को सफिशियंट टाइम दो, न्यू हैबिट को कम से कम 66 दिन दो, फिर उसके बाद आप उसे और टाइम देकर अधिक स्ट्रांग बना सकते हो, या फिर अपना टाइम किसी नई हैबिट को डेवलप करने में लगा सकते हो। वन थिंग विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। इंसान में हमेशा विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति होना जरूरी है, यह भी एक झूठ है। फोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और विल पावर भी यूज होने के बाद खत्म हो जाती है। बैटरी कम हो जाने के बाद हम फिर से पावर को रिचार्ज करते हैं आराम करके, रिलैक्स करके, ताकि हम फिर से काम कर सकें। जब सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पावर और विल पावर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए हमको अपने जरूरी काम सुबह के समय ही कर लेने चाहिए। एक बार जरूरी काम खत्म हो जाए तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहिए, यह भी गलत और झूठ है। 3 बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के सपने के साथ आप बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते, यह बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं क्योंकि हमारे पास उस समय कोई ज़रूरी काम नहीं होता। जब हमारे पास काम बढ़ जाता है तब हमें ज़्यादा टाइम अपने काम को ही देना होता है। आथर कहते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए जहाँ से आपको बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। वन थिंग बिग इज बैड। बड़ा सोचना बुरा होता है, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर होती है, यह भी आखिरी झूठ है। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने होते हैं। एक्शन लेने के लिए हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। अगर आप छोटा सोचोगे तो एक्शन भी छोटे ही लोगे, छोटे लोग को आपको रिजल्ट भी छोटे मिलेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वह अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल कर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी ने भी एक साधारण जिंदगी से ऊपर एक एक्स्ट्रा आर्डिनरी जिंदगी जीने का सपना देखा, दुनिया भर में मशहूर होने के लिए उन्होंने जाना कि अगर हमें असाधारण जिंदगी जीनी है तो हमें असाधारण तरीके से काम करने होंगे। वही तरीका है फोकसिंग क्वेश्चन, जो हमें अपने आप से पूछते रहना है। वह क्वेश्चन वह कौन सी चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ, जिसको करने के बाद मेरे दूसरे काम करना आसान हो जाएगा या फिर उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एक उदाहरण से समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के सभी एरियाज जैसे करियर, फाइनेंस, लर्निंग, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, इन सभी एरियाज को एक ऐसी चीज़ ढूंढें जैसे आपकी बारी दूसरे काम करना आसान हो जाए, फिर उनको करने की ज़रूरत ही न पड़े। आपकी ज़िंदगी का मकसद आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है, जो आपको भटकने नहीं देता, सही रास्ता दिखाता है। जब आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा तब आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। मकसद पता चल जाने के बाद आपको उस मकसद की प्रायोरिटी को सेट करना है। प्रायोरिटी को सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए आजकल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल क्या करना चाहिए। सबसे आखिरी में आपके पास राइट नाउ गोल का क्वेश्चन आएगा। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसको मैं अभी कर सकता हूँ अपने गोल को हासिल करने के लिए। द 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। यह प्रोडक्टिविटी से संबंधित 4 चोर हैं जो आपको समय चुरा लेते हैं। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इनसे आपको हर हाल में दूरी बनाकर रखनी है। इन इनबिलिटी टू से नो। वह काम या वह लोग जिनके पास आप किसी न किसी वजह से न कर पाते हैं। कभी न कभी ऐसा भी होता है हम अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट काम बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, या फिर हमारा कोई मिलने वाला हमें कोई काम बता देता है,
हम उसको ना नहीं कर पाते या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आथर कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हाँ कहने की है, वह काम है आपकी वन थिंग। अपनी वन थिंग को हाँ कहिए, बाकी सभी को कामों को न कह दीजिए जब तक आपकी वन थिंग पूरी ना हो जाए। दूसरा, फियर ऑफ क्योस। क्योस मतलब गड़बड़ी, डिसबैलेंस, कन्फ्यूजन। जैसा कि आप अभी आपको बताया, अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को न कहिए जो कि जरूरी नहीं है। आपको न बोलने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। इसके साथ कंफर्टेबल होना है, इसके साथ जीने की आदत डालनी है, क्योंकि जो भी हो वह काम जरूरी नहीं थे, वह काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहे थे, लेकिन वह नहीं थे। इससे बड़ी गड़बड़ी आज तक ही मैटर करेगी। लेकिन आप अपनी वन थिंग पर काम छोड़कर किसी दूसरे काम पर लग जाएं तो यह लाइफ टाइम तक अपने आप को इफेक्ट करेगा। तीसरा, पुअर हेल्थ हैबिट। बुरी आदतें जो आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं। आपके पास चाहे बंदूक हो, तलवार हो, चाकू हो, अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है यानी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वह एक निहत्था इंसान भी आपको हरा कर चला जाएगा। अगर आपकी हेल्थ खराब ही रहेगी तो आपका पैसा और समय बीमारियों से लड़ने में ही चला जाएगा। आपको अपने मकसद पर काम करने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वह हर काम कीजिए जो आपको हेल्दी बनाए रख सकता है। चौथा, एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। ऐसा माहौल जो आपके लक्ष्य के लिए बाधा बन रहा है, ऐसे माहौल से दूर रहें। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, जब मैं ब्लॉग लिख रहा होता हूँ तो आस पड़ोस में अधिक शोर होने लगता है, कभी सिर भारी होने लगता है, कभी घर के बच्चे ही शांत नहीं पड़ते हैं, जिसके कारण कुछ घंटे का काम कई घंटों तक करना पड़ता है। इस तरह मेरे आसपास का माहौल मेरी वन थिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर आपके आसपास का माहौल भी आपके सपनों, आपके लक्ष्य को सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे माहौल को चेंज कीजिए, इससे बदलाव लाइए, ताकि आप अपना काम समय पर और अच्छे से ख़त्म कर सकें। धन्यवाद।